इनको हुआ क्या है डॉक्टर? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर आपको आके बता देंगे। क्या आप वाकई उनकी असिस्टेंट हैं? मुझे लगा था कि आप उनकी मंगेतर हैं। ऐसा होता तो बहुत बेहतरीन जोड़ी जी, होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर हाँ। ये लीजिए, और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं सारी, जो आपने कहा था वही है। सुमैया, हमें इनका फौरन इलाज शुरू करना होगा। जी डॉक्टर। ये ले शकील साहब, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक ब्लड क्लॉट ने आपकी टांग की रक्त से आपके लंग्स तक का सफर किया, इसीलिए आपको सांस लेने में मुश्किल हुई और आपके सीने में दर्द होना शुरू हुआ। आपको यकीन है ये सब गोली की वजह से नहीं हुआ? देखा तुमने शकील, तुम मुझे इल्जाम दे रहे थे कि ये सब सामान उठाने की वजह से हुआ है। तुमने देख लिया ना, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। इस वक्त शकील साहब को आपके प्यार की जरूरत है बहुत, तो इनसे लड़िएगा मत। तो शकील साहब, हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। आपको फौरन ही हम सीने की बीमारी के वार्ड में मुंतकिल कर देंगे, ठीक है ना? और आपको दो दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। इतने दिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मैं जितना खाने पीने का सामान अपने साथ लाई हूँ वो सब जाया हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको दोबारा देखने आऊंगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। शादी के बाद तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हों, और वो भी बड़े हो कि तुम लोगों की तरह डॉक्टर बने। डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा लहजा कितना मीठा और कितना नरम है, बहुत ज्यादा शर्मीली हो तुम। बेटा तुम्हें इसको समझना होगा। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक कह रहा हूँ ना शकील साहब? गेट वेल सून। गेट वेल सून। मलिक जी। डॉक्टर, रूम नंबर 3 के पेशेंट की रिपोर्ट की क्या अपडेट है? वो जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है। सिनान बाबा, वो बहुत भारी हो गए हो तुम, मुझसे भी नहीं उठाए जाते। अम्मी ने मेरा कद नापा था, पूरे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गई हूं मैं। तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था इसलिए आ गई मैं। मेरे ख्याल में हमें अंदर कमरे में चलना चाहिए। कैसे हो तुम? ठीक हूँ सीमा, ठीक हूँ मैं। आओ अंदर चले। बहुत जबरदस्त, तुम्हारा बस चले ना तो पूरे हॉस्पिटल में तो माइक लगा दो, और इस हॉस्पिटल में जितनी बातें हो रही हो ना वो सब सुनो। तो आबित, तुम इस औरत को जानते हो क्या? कैसे जान सकता हूँ मलिक, इस हॉस्पिटल में हजारों लोग आते जाते हैं, क्या मैं सबको तो नहीं जान सकता ना? वो कुछ दिन पहले भी आई थी, शायद रिश्तेदार है। सुनो मेरी बात मलिक, कुछ अरसे से बहुत ही अजीब और गरीब रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, और किसी का नहीं पता होता कि कौन किसका रिश्ता।